हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, ये सारे शब्द आने वाले हैं, लेकिन अगर डेरिवेटिव क्या होता है किसी एक पॉइंट पे, उसके बारे में जानना है तो हम ये डेफिनेशन के तौर पे चलेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं बता रहा हूं आपको डेरिवेशन, और डेरिवेशन किसी एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब मैथमेटिकली बताऊंगा, फिर हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट लेंगे। मान लीजिए एक एफ एक्स आपका एक फंक्शन है, हम फंक्शन देख चुके हैं, और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसका मतलब है ये पूरी तरीके से डिफाइन है। एक इंटरवल है आपका ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल कर दीजिए इसको। ये फंक्शन इसमें डिफाइंड है, मतलब ए और बी के बीच में आप कुछ भी डालेंगे एक्स की जगह तो आपको वाई मिलेगा इस इंटरवल में। और आप मान लीजिए कोई एक सी है, जो एक कांस्टेंट, मैं कह रहा हूँ इनके बीच में कांस्टेंट, सी बिलोंग्स टू इस ए कॉमा बी कर दीजिए, सी इसके बीच में कहीं भी आता है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, ध्यान रखिएगा मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो डिफरेंशिएट होगा या डिफरेंशिएबल है, या फिर ये कहें कि या डेरिवेटिव है इसका एक्स सी पे, यानी ए और बी मान लीजिए दो 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 और पाँच नंबर है। आप कहते हैं भाई दो और पाँच में तीन बीच में आता है, तीन पे मैं अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखना चाहता हूँ, ये एक फंक्शन है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। ये तीन पे साइन थ्री डालेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या है, ये तभी होगा एफ एक्स आपका, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा या इसका डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे, यदि, देखिए इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि लिमिट इसीलिए शुरुआत में हमने देखी कि लिमिट जहां पर x टेन टू सी, मतलब ये तीन नंबर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, यहां पर आपका फंक्शन लीजिए एफ एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करिए उस वैल्यू से जो आपने लिया है, इसके बीच में एफ एक्स है माइनस एफ थ्री, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें x टेंड्स टू सी है, तो यहाँ x टेंड्स टू सी डालेंगे तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ एफ सी डालेंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये फाइनाइट रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट का। ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा, ये जो लिमिट आप देख रहे हैं, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं। अब आप जब आगे मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल एस्पेक्ट क्या है, लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो केवल इतना ही होता है। तो डेरिवेटिव बेसिकली लिमिट के बारे में बात हो रही है, लिमिट ही, इस लिमिट को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं, या इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं इस फंक्शन का। कौन सा फंक्शन? इस एफ एक्स का। इस एफ एक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट पे? इस सी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। और इसको हम कैसे लिख के देते हैं, ये जो पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस पूरे ब्रैकेट को हम कहेंगे एफ डैश सी। एफ डैश क्यों लिखा? क्योंकि ये डेरिवेटिव है, या फिर आगे हम इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे, इसको आप कैपिटल डी एफ सी कह सकते हैं, और कई जगह पे इसको कहा जाएगा डी बाय डी एक्स, इस फंक्शन का एफ एक्स का, और किस पॉइंट पे? एक्स बराबर सी पे, ऐसे करके कर दीजिए। इसका मतलब अगर कोई भी कहता है कि आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी फंक्शन का सी पर, एफ डैश कर दिया मैंने, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, इसका सीधा मतलब केवल इतना ही है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और इसके आगे क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। लेकिन अब मैंने बताया जीरो बाय जीरो है, तो ये तभी होगा जब ये एग्जिस्ट करे, मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में ना हो, तब ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पूरे इस डिस्कशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल है, जो भी मैंने डोमेन बताया, जैसे एग्जांपल लिया था ना, ये डोमेन, इस पे डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, और ये जो लिमिट है, मतलब ये वाली जो लिमिट मैंने आपको बताई, ये वाली, ये एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू देगी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं आएगी। ओके, अब इसको आप कह सकते हैं भाई सी है तो सी माइनस कर लीजिए, एक बार आप सी माइनस कर लीजिए, एक बार सी प्लस कर लीजिए, आपको पता है क्या करना है इसमें, एफ डैश सी निकालना है तो आपका क्या होना चाहिए, सी प्लस मतलब होता है एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए, यहां पर एक्स प्लस एच रख दीजिए, जब सी माइनस लेंगे तो यहां पर एक्स माइनस एच रख दीजिए, यहां एक्स माइनस एच रख दीजिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी लिमिट में कर चुके हैं, तो यही चीज हम यहां पर करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है किसी एक पॉइंट पे, और यही चीज़ बेसिकली इट्स अ लिमिट।
लिमिट ही होती है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया क्या है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारे पास एफ है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसको कैसे बना रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया। अब आपको निकालना है एफ डैश टू। एफ डैश क्या बताया मैंने, ये डेरिवेटिव है, डिफ्रेंसिएशन है किस पॉइंट पे, टू पे इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एफ डैश टू का सीधा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर आपको एफ डैश टू निकालना है तो आप लिमिट लगाइए यहाँ पे, लिमिट, और लिमिट क्या लगाएंगे, मैंने आपको कहा या तो सी माइनस करिए या सी प्लस करिए, ये बताया था। तो आप क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, और हम यहाँ पर लिमिट लेना चाहते हैं, चलिए एक्स टेंड्स टू सी प्लस करना चाहते हैं, और सी यहाँ पर क्या है, टू दिया हुआ है, टू प्लस यानी टू प्लस एच रखना चाहते हैं। तो लिमिट यहाँ पर रखिए एफ एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ टू प्लस एच माइनस एक्स, तो सी तो है टू है ही, बाय एक्स प्लस यहाँ पर रखेंगे टू प्लस एच माइनस टू, ये क्या है, एक्स माइनस सी। अब ये लिमिट क्या है, होना क्या ये चाहिए था जो मैंने आपको बताया था, ये एक्स टेंड्स टू सी था, एक्स टेंड्स टू टू होना चाहिए, लेकिन क्यों हमने एक्स की जगह जब टू प्लस एच रख दिया तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो गया, है ना। अगर आप टू को यहाँ लाएँ और एक्स माइनस टू, टू एक्स को टू कहें तो टू माइनस टू जीरो होता था, एच टेंड्स टू जीरो हो गया। तो इसको भूल जाइए, आप एच टेंड्स टू जीरो रखेंगे। अब ये आप ये तरीका अपनाएंगे तो यहाँ पर लिमिट क्या है, देखिए एफ टू प्लस एच। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर टू प्लस एच रख देना, यानी कि एक्स की जगह टू प्लस एच होल स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ तो एफ टू है ही, एफ टू क्या है, इसकी जगह टू रखिए, टू स्क्वायर प्लस वन, मतलब इस टू को यहाँ तब्दील कर दीजिए, तो टू स्क्वायर प्लस वन कितना होगा, टू टू से फोर फाइव, फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाई आपका टू टू कैंसिल, एच आ जाएगा, टू प्लस एच होल स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर प्लस टू टू से फोर माइनस टू टू से फोर एच, और यहाँ माइनस फाइव है आपका, ठीक। तो आपका क्या आया, ए स्क्वायर अच्छा ये प्लस वन भी है, तो यहाँ साथ में प्लस वन भी जोड़ दीजिए, प्लस वन ही है ना, तो यहाँ प्लस वन भी कर दीजिए, तो क्या हुआ, ये फोर प्लस वन और ये माइनस फाइव इसके साथ कट गया, ये तीनों कट गए, एच स्क्वायर माइनस फोर एच आया, नीचे तो एच चल ही रहा है, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, एच स्क्वायर माइनस फोर आ गया, एच माइनस फोर आ गया, नीचे आपका एच है, ये प्लस है, प्लस ये प्लस है ना, ये प्लस आ गया। अब यहाँ पर एच क्या करिए, ये एच एच कैंसिल कर दीजिए, एच प्लस फोर आया, अब यहाँ पर लिमिट आपका चल ही रहा है, लिमिट क्या लगा रहे हैं आप, एच टेंस टू जीरो, तो ये फोर एच प्लस फोर में लिमिट एच टेंस टू जीरो में जीरो आ गया, फोर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया कि आपको एफ डैश टू निकालना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है टू पे, यानी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है इस एफ का, इस वाई इक्वल्स एफ एक्स का आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल्स टू पे, वो आपने निकाल लिया। और आपने किया क्या, आपने लिमिट देखी x टेंड्स टू टू पे, इस ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और आपने देखा कि लिमिट लगाया मैंने, या राइट हैंड लिमिट लगाया या लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया, और राइट हैंड लिमिट लगा के हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर अगर हम शुरुआत में देखें तो ये इनफाइनाइट, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा था, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन इसका एग्जिस्ट करता है पॉइंट टू पर, जो इसका डोमेन है और उसकी वैल्यू है चार। इसी को डेरिवेटिव, इसी को डेफिनेशन, डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमने बात की कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है, तो जो बात निकल के आई वो ये है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और कोई एक इंटरवल ले लीजिए, आप ओपन इंटरवल ले लीजिए ए टू बी, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी जैसे सी, और इस पर आपको डेरिवेटिव निकालना है, जैसे एफ डैश सी निकालना है, तो उसका सिंपल मतलब यही होता है कि आप लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू सी, यानी कि एक्स वैल्यू ये इस, ये जो सी है कहीं बीच में इसके होगा, उसका लिमिट किस वैल्यू के लिए, एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये एफ सी, मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां सी रख देंगे, और एक्स माइनस सी ये जो लिमिट है इसी को हम डेरिवेटिव कह रहे हैं, ठीक। ये तो मैथमेटिक्स हो गई, लेकिन अगर हम इसको वाकई में रियल लाइफ में समझना चाहें कि भाई ये होता क्या है, ये क्या चीज है, कहां से आई, तो इसका, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसी डिस्कशन का, और इसका जो ज्योमेट्रिक, मतलब ज्योमेट्री भी दिखाएंगे, और इसका वाकई में मतलब क्या है। अब आप इसका मतलब समझिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। देखें, आपके पास बहुत आसान है अगर आप बताएं कि भाई अगर 2 kg है तो इसका रेट होगा 10 रुपए, कोई सामान है 2 kg है 10 रुपए,
अगर ये 4 kg होगा तो क्या होगा, इजी है, 2 kg 10 तो 4 kg कितना हो गया 20। अब आप आ जाइए 8 kg पे आ जाइए या 10 kg पे आ जाइए, अगर 2 kg 10 है तो 10 कितना होगा 2 × 5 है ना, मतलब 2 इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर 50 हो गया। क्लियर, ऐसे आपको बहुत क्लियर पता है वैल्यू, आराम से पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये ग्राफ मेरा बिल्कुल सीधा हो, ये दो वैल्यू ले ली, मान लीजिए एक्स है ये वाई है, तो अगर मैं यहां पर एक्स लिखूं यहां वाई लिखूं और मुझे पता है कि बिल्कुल ये स्ट्रेट ग्राफ है, तो अगर आपसे कहा जाए भाई एक्स की मुझे ना 2 पे वैल्यू तो आपने बताई कि भाई 10 है, तो चलो मुझे 6 पे भी बता दो, तो आप क्या करेंगे इसको आराम से प्लॉट करके बता देंगे कि 6 पे क्या वैल्यू हो रही है, बताइए कि 6 पे क्या वैल्यू होगी, जब 2 पे 10 है तो 6 पे कितनी होगी, 10/2 × 6 मतलब 30 होगी, तो 6 पे 30 हो जाएगी। आप 8 पे बता सकते हैं, 9 पे भी बता सकते हैं, यानी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस पे होगी। अगर बिल्कुल सीधी जा रही है, मतलब कोई इसमें फेर बदल नहीं है, एक गाड़ी चल रही है और उसकी एवरेज स्पीड है, मतलब उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो आप बता सकते हैं भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बता सकते हैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आप बोलेंगे 2 घंटे में कितनी जाएगी, 80 किलोमीटर जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम फंक्शन की बात करते हैं, और जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। फंक्शन हम सीख चुके हैं, फंक्शन का मतलब केवल ये है कि भाई अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं और कोई एक्स वैल्यू डाल रहे हैं उसकी यूनिक वैल्यू आपको वाई मिलेगी, जैसे आपने वाई इक्वल्स टू 2x रख दिया, एक्स में आप डालिए 2 तो 2 × 2 वाई आपको 4 मिलेगा, ये इस तरीके से फंक्शन का इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन हमारी समस्या ये है या हमारी सिचुएशन ये बन रही है कि जब तक सीधी सीधी चीज़ें चल रही हैं हमारे पास कोई समस्या नहीं, हम आराम से उसका आंकलन कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जब ऐसे फंक्शन हमारे पास आएंगे e^x, जब हमारे पास फंक्शन आएंगे a^x, हमारे पास फंक्शन आएंगे log x, तो ये तो इस तरीके से नहीं होते। ऐसे फंक्शन आ गए जो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ऐसा फंक्शन है कुछ, तब आप क्या करेंगे, आप यहां जो वैल्यू निकालेंगे एक किसी पॉइंट पे, भाई ऐसा है कि 1 घंटा 40 किलोमीटर, लेकिन आप क्या यहां कह सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि 2 घंटे पे आप 80 किलोमीटर चलेंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते, यहां पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो इन सब चीजों को डील करने के लिए कि मैं आपको इस तरीके से एक सॉल्यूशन दे दूं कि चाहे मेरी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे मेरी इस तरीके की लाइन हो, चाहे किस तरीके का भी फंक्शन हो, अगर मैं वो एक पॉइंट आपको दे दूं तो आप उसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहां निकाली, जैसे हमने यहां निकाली, यहां हमको कोई समस्या नहीं हुई। यहां पर आपको ऐसी कोई चीज दे दी जाए कि आप इस पॉइंट पे परफेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, या परफेक्ट नहीं तो नियर परफेक्ट निकाल पाएंगे, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर समझ में आया फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या? अब मैं इसको जरा एक मैथमेटिकली समझाता हूं, लेकिन थोड़ा इसको हम बहुत आपके करीब रखेंगे, आप इसको समझ पाएंगे। कहना यहां पर एक गाड़ी है जो ओ से निकलती है और एक्स तक जाती है, गाड़ी जा रही है, तो एक गाड़ी चल रही है तो क्या क्या होगा, इसकी स्पीड आ जाएगी, एक व्हीकल की स्पीड आ गई और उसका टाइम आ गया, स्पीड और एक डिस्टेंस आ गया, ये सब चीजें हमारे दिमाग में रहती है जब भी एक चीज चल रही होती है। अब यहां से जैसे दिल्ली से आप आगरा जाते हैं तो आप एक्सप्रेस हाईवे लेते हैं, आपकी एक स्पीड होती है, आप कुछ समय लगाते हैं, आपको पता है 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, आपको पता है कि 2-250 किलोमीटर का रन है, इस तरीके से आपकी चीजें बनेगी, आपके दिमाग में आ जाएंगे। यहां पर हम अब जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं डेरिवेटिव का, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक पॉइंट पे गए, अगर मैं आपको प्रिसाइसली ये पॉइंट दे दूं और मैं आपसे कहूं साहब इस पे निकालो जरा एक वैल्यू क्या है, या मैं आपसे कहूं कि ऐसा है आप यहां पर पहुंचे एक्स जगह पे, मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं, पी जगह पे एक्स पहुंचने के लिए, जैसे दिल्ली से आप आगरा जा रहे हैं, आप बीच में कहीं पहुंचे, कोई भी जगह का नाम ले लीजिए, और मैं आपसे कहूं कि आप क्यू जब पहुंचे तो आपका क्या टाइम है मुझे बताइए, आपकी स्पीड कोई एवरेज नहीं है, मतलब ऐसी कोई नहीं है कि आप कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, आप कहीं रुक भी रहे हैं, कहीं खाना भी खा रहे हैं, कहीं आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे मैं आपसे पी का टाइम पूछूं, क्यू का टाइम पूछूं कि भाई क्यू में कितने बजे पहुंचोगे साहब, मैं यहां पर वेट कर रहा हूं आपका दोस्त हूं, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हम इसको बताने की कोशिश करेंगे और यही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैसा है, अब आप इसको समझिए, आपको पता है ना कि जितनी स्पीड से चलेंगे उतने हिसाब से आप डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी अगर आप डिस्टेंस मान लीजिए
यहां से यहां तक, एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से यहां तक आपको एक घंटा लगा, यहां पर आपको एक घंटा 30 मिनट लगेगा या फिर 2 घंटा लगेगा, यही लगेगा ना। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि यहां पहुंचने में आपको 1 घंटा लगे और यहां पहुंचने में आपको 2 घंटा लगे, हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो इस तरफ चल रहे हैं। हाँ, अगर आपका सामान गिर गया तो वापस लौट के आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप जब यहां से जा रहे हैं तो यहां 1 घंटे में पहुंचे, या हो सकता है 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंच जाए। इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो पूरी तरीके से टाइम पे डिपेंडेंट है, समय के हिसाब से, समय बहुत जरूरी है इसमें। तो मैं क्या कहता हूं कि यहां पर मान लीजिए हम एक T0 पॉइंट में पहुंचे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई हम 1 घंटे में पहुंचे यहां पर, और यहां पर T0 और कुछ इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे यहां से आपको लगा आधा घंटा, 1 घंटा मान लीजिए और, तो आप क्या करेंगे, T0+H कर दीजिए। एच मैंने क्या कहा, यहां पर 1 है, यहां 2 है, मतलब 2 को मैंने लिखा 1+1, T0 तो ये हो गया, ये T0 है, 1 घंटा आपको और लग गया, एच हो गया, क्लियर। तो यहां पर आप T0 पे थे, मतलब T किसी एक टाइम पे थे, यहां पर है, यहां पर जब पहुंचे तो इतना टाइम आपका चेंज हो गया, क्योंकि टाइम बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे जरा ये डिस्टेंस बताइए यहां से यहां कितना है, तब आप क्या करेंगे। मैंने आपसे बताया कि जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डिपेंड करती है टाइम पे। तो अगर मैं इसको फंक्शन के तौर पे लिखूं, तो अगर मेरा ये डिस्टेंस ओपी है तो क्या होगा, ओपी होगा, मैंने कहा फंक्शन ऑफ टाइम है, एक फंक्शन बना देते हैं, ये टाइम किस पे है, T0, यहां का T0 टाइम है, P क्योंकि हम O से P तक जा रहे हैं, और यहां T टाइम क्या है, T0 टाइम है। यहां पर आप आ जाइए, इस जगह को देख लीजिए, आप पूरा OQ बताना चाहते हैं, यहां से यहां तक पूरा OQ, तो OQ क्या हो जाएगा, फंक्शन ये T0+H रखेंगे यहां पर, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया आपने यहां पर पहुंचने में, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, ये क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको ये PQ निकालना है, तो आप बहुत आसान से निकाल लेंगे, आप OQ में OP को घटा देंगे, तो हम यही काम करते हैं, OQ में OP घटा देते हैं, यानी कि OQ-OP कर देते हैं। अगर आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो क्या बनेगा, F T0+H, ये OQ हो गया, ये पूरा लिख दिया मैंने, और अब ये लिख देते हैं -FT0, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, PQ, यहां से यहां तक की दूरी PQ हो गई, डिस्टेंस हो गया। अब आप जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो होती है। तो डिस्टेंस तो आपको PQ निकल गया, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये T0+H है, ये T0 टाइम है, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा होगा, T0+H-H -T0, आपका यहां 2 घंटा है, यहां 1 घंटा है। अगर आपको यहां से यहां तक का टाइम निकालना है तो 2-1 ही तो करेंगे, तो 1 घंटा लगा आपको यहां से यहां तक पहुंचने में, तभी तो 1 घंटे का 2 घंटे हो गया। तो टाइम क्या हो गया इसका, अगर मैं आपको कहूं कि भाई टाइम निकाल के दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे, T0+H-T0, यानी T0+H-T0, T0 हटा दीजिए, एच आ गया, तो टाइम कितना आ गया आपका, ये गया एच। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, F T0+H-FT0/H, ओके, ये आपका स्पीड हो गई। अब जो स्पीड निकल के आई है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि मुझे किसी एक पॉइंट पे चाहिए, मुझे ये मल्टीपल पॉइंट पे नहीं, मुझे ये पॉइंट पे बताओ, ये पॉइंट पे बताओ, ये पॉइंट पे बताओ, यही तो असली डेरिवेटिव है, यही तो असली डेरिवेटिव की सारी कहानी है। तो किसी एक पॉइंट पे बताना होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे कि ऐसा करते हैं ना, ये जो पी और क्यू है ना, इसको क्यू को पी के करीब ले जाते हैं या पी को क्यू के करीब ले जाते हैं, ऐसा हो जाए किसी तरीके से कि ये पी और क्यू एक ही हो जाए। जब ये P और Q एक ही हो जाए तो हमें P की और Q की वैल्यू हम बता सकते हैं, यानी एकदम Q को हम P के करीब पहुंचा दें, तो हमारा क्या होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा, मतलब एक दूसरी लाइन बना देता हूं, ये OX हो गया और आपका P भी यहां, Q भी यहां, तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होने वाली है स्पीड की। तो इसका मतलब P बेसिकली Q टेंड कर रहा है P को, मतलब Q इस तरफ जा रहा है और P को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच में H बच रहा है ना यहां से यहां तक, ये तो H ही तो है, ये H टेंड्स टू क्या है, 0। जब P और Q एक हो जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस तो 0, मतलब टाइम 0 हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया, तो एच 0 हो गया, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लगा दें लिमिट H टेंड्स टू 0, और जब लिमिट H टेंड्स टू 0 लगाया तो आप ये देख रहे हैं कि T0 और T0+H में कोई अंतर नहीं रहा, तो आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टाइम बता पा रहे हैं या स्पीड बता पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने आपके सामने स्पीड निकाल दी है, लेकिन ये स्पीड जो है आप किसी भी एक पॉइंट पे बता सकते हैं, और इसी को हम F-T0 कहते हैं, इसी को हम F-T0 कहते हैं, क्लियर। ये जो F-T0 निकाला हमने, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला, और यहीं पे हमारा डेरिवेटिव बन गया, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपके दिमाग में आपके बैठ जाए। देखिए, सवाल कुछ इस तरीके से है कि द डिस्टेंस FT इन मीटर्स मूव्ड बाय अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन T सेकंड इज गिवन बाय FT।
मतलब जो फंक्शन आपको दिया है, एक पार्टिकल है वो यहां से यहां तक चल रहा है, और उसका जो फंक्शन दिया है आपको टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे मांगता हूं कि भाई हमको ये स्पीड बताओ, इस जगह पे स्पीड बताओ जब टाइम हो 2 सेकंड। अब ये 2 सेकंड कुछ भी हो सकता है, आप 3 सेकंड पे भी निकाल सकते हैं, 5 सेकंड पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव है। अब आप निकाल सकते हैं। अब आपका इस तरीके का जब कर्व बनेगा तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है। कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला याद है जो अभी अभी हमने किया, इसको बहुत ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला यूज करने वाले, बिल्कुल यही चीज। कैसे करेंगे? हमारे पास फंक्शन है ऑलरेडी, हम इससे निकालेंगे एफ डैश, डेरिवेटिव निकालना है 2 पे, किस पॉइंट पे निकालना है 2 पे। तो ये कितना बनेगा? आपको याद है फॉर्मूला क्या था? एफ यहां पर था 2 प्लस एच माइनस एफ 2, यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, और लिमिट क्या है? एच टेंस टू 0, ये तो है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पे जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां 2 प्लस एच रख दीजिए। तो यहां पर 2 प्लस एच रख देते हैं, 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 4, ये हो गया, और माइनस एफ 2 क्योंकि 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना होता है तो यहां पर 3 प्लस एच 3 कर देते। तो यहां 3 रखेंगे तो क्या बनेगा? 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये क्या बन गया? इसको खोलेंगे, 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच प्लस 3 टू 6 प्लस 3 एच प्लस 4 माइनस, ये हो गया आपका, इसको तो खैर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 14। जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है एच स्क्वायर प्लस 7 एच। आप देख लीजिए, ये सारा आप जो 4 है 6 है 2 टू 4 इसको डील करेंगे, और फिर उसके बाद आपका, क्योंकि ये वैसे भी कट जाएगा 14 से, 6 4 और 4 14 होता है, कैंसिल हो जाएगा, और 4h प्लस 3h 7h हो गया, तो 7 h स्क्वायर प्लस 7h बाय h आ गया है। इसमें से h कॉमन ले लीजिए, नीचे h चल रहा है, ठीक है, नीचे h सबके चल रहा है, h कॉमन ले लीजिए, तो h प्लस 7 हो गया, ये नीचे h है ये कैंसिल कर दीजिए, h प्लस 7 है, इसमें लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 इस पे, तो आपका क्या आएगा? 0 प्लस 7 यानी कि 7, तो क्या है आपका? 7। तो क्या बेसिकली आपने क्या लिया? एफ डैश 2 बराबर आपका 7 आ रहा है, यानी जो स्पीड है इस पार्टिकल की या जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है टाइम 2 सेकंड पे है 7 मीटर पर सेकंड। आप इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ गए, हमने डेरिवेटिव निकाला क्यों, हमने डेरिवेटिव किया क्यों। ओके, अब छोटी सी चीज और बताता चलता हूं आपको कि आपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो समझ लिया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ज्योमेट्री पे कैसे देखेंगे, क्योंकि हमको ज्योमेट्री की बहुत जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्राम को करने वाले हैं, उसका मैं शायद एक एग्जांपल भी आपके सामने रखूंगा। अब आप देखें जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर आप कहते हैं कि भाई हम फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशियबल फंक्शन है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई हमारा जो कर्व है कुछ इस तरीके से बन रहा है, तभी तो हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, हमारा कुछ कर्व इस तरीके से बन रहा है। ओके, ये जो कर्व बन रहा है इसको हम, ये फंक्शन है हमारा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, कोई भी सी पॉइंट ले लीजिए, तो अगर ये सी पॉइंट है तो ये सी हो जाएगा, और यहाँ पर सी रखेंगे एफ सी, तो वाई क्या ले लेंगे? एफ सी, तो ये एक पॉइंट सी हो जाएगा, एक एफ सी हो जाएगा, एक पॉइंट सी एक पॉइंट एफ सी। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लगते हैं ना, कोई भी आपका ग्राफ होता है, तो यहां पर इसका पॉइंट रखते हैं ना 2 और यहां 3, ऐसे तो 2 3 लिखते हैं, वही हमने लिखा है सी एफ सी। ये लिखने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको तो इंस्टेंटेनियस है, हमको तो एक पॉइंट ऐसा चाहिए, कोई भी एक पॉइंट में आपको बोलूँ कि भाई इस एक्स के लिए इसकी वाई वैल्यू बता दूँ हमें, तो यही तो सारा डिफरेंशियबिलिटी है कि मैं इस किसी भी एक पॉइंट को आपको दूँ एक्स वैल्यू और आप मुझे वाई निकाल के दिखा दें, डिफरेंशियबिलिटी है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये पार्टिकल आगे बढ़ गया, यहाँ पर पहुँच गया मान लीजिए, और ये इसने यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए ये एच है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एच हो गया, छोटा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इसको, और क्योंकि ये पॉइंट तो खैर इसका ये रहेगा, मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, तो एक्स तो बढ़ गया आगे, कितना बढ़ गया? सी प्लस एच, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा सी प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर यहाँ पर हम लिखेंगे सी की जगह सी प्लस एच रखेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ये सी है यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक एच है, ये पॉइंट क्या होगा? सी प्लस एच है ना, तो सी प्लस एच रखेंगे तो क्या बनेगा? वाई इक्वल्स टू एफ सी प्लस एच, इसका वाई कोऑर्डिनेट बन गया एफ सी प्लस एच,
ओके, ये बन गया आपका। अब आप देखिएगा कि ये पॉइंट हमने कह रहे हैं पी और हमारा ये है क्यू, और पिछली की तरह पहले की तरह हम क्या करेंगे, ये पी क्यू को किसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे और इसको बनाएंगे सबसे छोटा। क्यों? हम चाहते हैं कि क्यू पी पे आ जाए, क्योंकि मैं आपसे, मेरा सवाल केवल आपसे इतना है कि मैं आपसे दो पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा एक पॉइंट दे रहा हूं, बताओ वैल्यू क्या है इसकी। एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं 1.5, बताओ इसकी वाई वैल्यू क्या है। बस यही सवाल है मेरा आपसे। और इसको हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से? देखिए, पहले तो हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल कैसा बना? ये आपका एच है, ये आपका जो पॉइंट है ये एच है, और ये जो ये कितना बना आपका, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो अगर डिस्टेंस ले तो कितना लेंगे, ये आपका एफ सी है, ये आप वाई पॉइंट ले रहा हूं भाई, ये जो है ना वाई है, तो ये पॉइंट जो है आपका एफ सी है और ये आपका एफ सी प्लस एच है, वाई पॉइंट ले रहा हूं, तो ये एफ सी है और ये एफ सी प्लस एच है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये तो मैंने आपको बताई दिया, स्मॉल सा डिस्टेंस है एच, ये कितना हो गया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये यहां से यहां तक की दूरी। अब देखिए ये मुझे थीटा निकालना है, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है एफ सी प्लस एच माइनस ये क्या हो गया एफ सी बाय छोटा सा डिस्टेंस क्या हो गया एच, यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन मसला ये है कि मैं आपसे दो पॉइंट तो पी और क्यू पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे केवल एक पॉइंट पूछूंगा, तो आपको क्यू और पी को एकदम करीब लाना पड़ेगा, या तो पी को क्यू पे ले जाइए या क्यू को पी पे ले जाइए। मतलब आप ये करना क्या चाह रहे हैं कि जब ये पी और क्यू एक साथ आ जाएंगे, जब ये और ये पॉइंट एकदम करीब आ जाएंगे, तो ये एच तो कुछ रहेगा ही नहीं, एच जीरो हो जाएगा। जब ये पी और क्यू को मैं बिल्कुल यहां मिला लूं, तो ये तो पॉइंट ही बनेगा, ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, ये इसके करीब आ गया, ये तो जीरो हो गया एच जीरो। तो हम यहां पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ताकि हम पी और क्यू को एक ही कह सके, और आप मुझसे केवल एक सवाल पूछोगे कि भाई बताओ पी या क्यू पे क्या पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो वैल्यू बनी है, ये भी तो टेन थीटा, ये भी तो क्या है स्लोप है, और यही ये जो बना है टेन थीटा स्लोप, ये स्लोप जो बनी है यही डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ पॉइंट एफ एक्स एट पॉइंट सी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स एफ एक्स एट पॉइंट सी एंड एफ सी। मतलब कोई भी पॉइंट आप लीजिए, उस पर एक टेंजेंट बना दीजिए, इस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, जो m आएगा, tan थीटा आएगा, ये m tan थीटा स्लोप, यही डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव के कितने मायने सीख गया, डेरिवेटिव एक लिमिट थी, डेरिवेटिव एक इंस्टेंटेनियस कोई पॉइंट पे वैल्यू बताने का तरीका था, और डेरिवेटिव अब स्लोप भी हो गया, कितनी सारी चीजें निकल के आ रही है। ओके, अब इसी का मैं एक सवाल लूंगा, ताकि आप ये समझे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। इसका सवाल इस तरीके से लिया जाएगा कि आपको निकालना है फाइंड दी स्लोप, आपको स्लोप निकालना है ऑफ द टेंजेंट, स्लोप निकालना है टेंजेंट का, और जिसका कर्व जो है वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और टेंजेंट स्लोप टेंजेंट का किस पॉइंट पे निकालना है, माइनस हाफ और 1/4 पे। क्लियर है? तो आपका ये फंक्शन क्या आ गया, ये आपका वाई है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। तो जो स्लोप है इस टेंजेंट की, माइनस 1/2 और 1/4 पे निकालना है, तो आप कर क्या रहे, आप इस पॉइंट पे एफ डैश निकालना चाह रहे हैं माइनस हाफ पे, ये तो करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसको बताता हूं, जैसे इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, तब तो आप समझ पाएंगे कि इसका हमको करना क्या है। देखिए, आपके पास एक कर्व है, मुझे नहीं पता ये कर्व कैसे बनेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही मान लेता हूं। अभी जो एक्स स्क्वायर है, इसमें एक पॉइंट दिया आपको माइनस हाफ और 1/4, ठीक। मैंने आपसे कहा कि ये माइनस हाफ इस पॉइंट पे, ये जो एक्स, यहां पर एक टेंजेंट बनाइए और इसका स्लोप निकाल के दे दीजिए, ये स्लोप निकालना है आपको, तो आपको निकालना क्या है इस पॉइंट पे, बेसिकली एक्स, ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तो आप तो एफ एक्स ही तो रखते हैं, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, हाफ माइनस हाफ, तो एफ डैश माइनस हाफ निकालना है आपको। तो ये कैसे निकल के आएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था अभी, एफ जो सी प्लस एच था, या फिर उसको उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे हमने यहां लिखा हुआ है, देखिए डेरिवेटिव के टर्म में, ठीक, बिल्कुल डेरिवेटिव के टर्म में ले आते हैं, एफ एक्स सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच, तो इसमें क्या है हमारा, सी बन रहा है माइनस हाफ, ठीक, तो हम इसको लेते हैं एफ माइनस हाफ प्लस एच माइनस एफ माइनस हाफ बाय एच, और लिमिट लगा दीजिए आप एच टेंस टू जीरो। अब जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां माइनस हाफ प्लस एच रख दीजिए, होल स्क्वायर माइनस माइनस हाफ बाय एच। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फटाफट आपको बता रहा हूं ताकि टाइम
कम व्यतीत हो। आप देखेंगे ये 1/4 आएगा, यहाँ पर भी 1/4 कटेगा, फाइनली आपको एच स्क्वायर माइनस एच बाय एच मिलने वाला है। इसे एच कॉमन ले लीजिए, एच माइनस 1/h ये कट जाएगा और लिमिट लगा दीजिए इसमें, एच टेंस टू जीरो, बेसिकली आपके माइनस 1 मिल जाएगा। तो जो एफ डैश माइनस हाफ है आपका, मतलब आप जो डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं वही टेंजेंट है, वही स्लोप है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर की। जब पॉइंट आपको, मैंने कोई एक पॉइंट मांगा, आपने मुझे वैल्यू दे दी, हाँ भाई ये माइनस 1 इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है, माइनस 1 का मतलब क्या होता है, ये टेन थीटा है, टेन थीटा माइनस 1, इसका मतलब ये 135 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, 135 डिग्री बनेगी, ओके, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इसका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की, कि डेरिवेशन डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है। शुरुआत में जब हमने बात की थी कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, तो ये बात हुई थी कि ये सिंपली एक लिमिट होती है, कहने का मतलब कि किसी एक पॉइंट सी पर अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू सी करें और कहें कि फंक्शन हमारा एफ एक्स है और एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, तो ये जो पूरा लिमिट है, और ये सी कहां से आया, ये ए टू बी कोई इंटरवल है जिसमें ये डिफाइंड है। तो ये हमने कहा था कि भाई ये डेरिवेटिव है किसी एक पॉइंट का। फिर हमने कहा कि ये जो चीज निकल रही है ये एफ डैश सी है, एफ डैश सी, यानी हमने इसको बताया कि ये एफ डैश सी करके हम लिखते हैं या इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, और सब में बात ये निकल के आई कि हम कर क्या रहे हैं। एफ डैश एक्स जो हम बोलते हैं वो है क्या, वो सिंपली डी बाई डी एक्स एफ एक्स का है, यानी एफ एक्स क्या है वाई, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये कहां निकल के आता है, क्या निकल के आता है, तो हमने दोनों ही तरीके से जब फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा तो उसमें बात यही बन रही थी कि एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, अभी एच आ गया, एच बहुत छोटा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये जो चीज हमने देखी थी तीन पॉइंट पे, और यही चीज के हिसाब से हमने सवाल सॉल्व किए थे, और इसी को हम कह रहे हैं कि यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है। ध्यान रखिएगा कि हर बार हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डिफरेंशिएशन निकालने लगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि डी बाई डी एक्स निकालिए आप ई के पावर एक्स का, तो अगर आप इस तरीके से निकालने लगेंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो क्या होगा कि हम इन सब का एक प्री मेड यानी एकदम तैयार डिफरेंशिएशन देख लेंगे, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करने को कहा जाएगा आप फटाफट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत में क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन का लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें अभी हमारे उपयोग में आने वाली है। मैं पहले आप वहां ले जाऊं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, इससे बेहतर है कि मैं आपको ये समझा दूं कि क्या क्या यूज होने वाला है। देखिए ये सारी चीजें यूज होंगी, तो मैं कहता हूं साइन ए प्लस या माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले भी, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन ए कॉस बी, और ये प्लस माइनस है तो यहां भी प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, ये क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से जो यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस माइनस बी, तो ध्यान रखिए यहां जब प्लस होगा वहां यहां माइनस आएगा, तो यहां माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, और यहां पर क्या आता है ये आपको याद ही होगा कॉस ए कॉस बी, और यहां आता है साइन ए साइन बी। इन सब का डेरिवेशन वगैरह सब हम देख चुके हैं, अब इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। इसी तरीके से हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, जैसे टेन ए प्लस माइनस बी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे टेन ए यहां पर प्लस माइनस कर दीजिए टेन बी, इसका मतलब यहां प्लस होगा तो यहां भी प्लस होगा, और नीचे क्या होगा इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, वन माइनस प्लस कर देंगे टेन ए टेन बी, इसका मतलब ये टेन ए प्लस बी है तो नीचे वन माइनस टेन ए टेन बी लेंगे, और चौथा आपका आएगा टेन टेन प्लस माइनस टेन बी, मतलब ये टेन ए है और प्लस माइनस टेन बी, तो इसके लिए क्या आएगा आप सीधा लिख दीजिए साइन ए प्लस माइनस बी, और डिवाइडेड बाय यहां कर दीजिए आप कॉस ए कॉस बी। फिर और भी इस तरीके से है, जैसे टेन ए माइनस बी है, टेन ए माइनस टेन बी है, अब आप कहेंगे ये तो सेम है लेकिन मैं इसका दूसरा वर्जन बता रहा हूं आपको, ये आपका आएगा
टेन ए माइनस बी, अलग से इसको आप लिख देते हैं वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये भी हम यूज करेंगे कई जगह। ऐसे आपका साइन सी प्लस साइन डी आता है, उसको मैं यहां बता देता हूं आपको, ये है साइन सी प्लस साइन डी, ये होगा आपका टू साइन सी प्लस डी बाय टू और कॉस सी माइनस डी बाय टू। ऐसी आपका आने वाला है, अगर आप देखें साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या बनेगा आपका टू साइन सी माइनस डी बाय टू और कॉस सी माइनस डी बाय टू। अब ये मैं आपको एक प्रिंटेड मटेरियल यहां पर चिपका के लगा के बता सकता था, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, ये जब तक आप इसको दिमाग में नहीं बिठाएंगे आगे की चीजें नहीं सॉल्व हो पाएंगी, इसीलिए इसको लिख के बताना बहुत जरूरी है, कॉस सी प्लस कॉस डी, ताकि आप रिफ्रेश भी हो जाएं और जैसे ही मैं करूं आपको पता लग जाए कि ये कहां से लिया गया है, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू और कॉस सी माइनस डी बाय टू। ऐसे आप देखिए नवा जो है कॉस सी प्लस डी है तो कॉस सी माइनस डी भी होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या बनेगा, ये कॉस सी माइनस कॉस डी जो बनेगा आपका बनेगा माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा माइनस माइनस टू कॉस साइन करते हैं इसको, टू साइन सी प्लस डी बाय टू और साइन सी माइनस डी बाय टू, आप ये माइनस अंदर लेके इसको सी प्लस डी ऐसे भी कर सकते हैं, साइन सी प्लस डी बाय टू सी डी माइनस सी बाय टू, डी माइनस सी बाय टू भी कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर ले लीजिए। फिर आपका है टू साइन ए कॉस बी, इसमें क्या लिखेंगे टू साइन ए कॉस बी में क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसी आपका एक और है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी हो गया ना, टू साइन ए कॉस बी हो गया आपका, तो टू कॉस ए साइन बी करते हैं, टू कॉस ए साइन बी, इसको कॉस कर देते हैं, टू कॉस ए साइन बी, ये क्या बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से आप वो भी निकालेंगे टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी, इस तरीके से निकल जाएगा। कुछ ऐसे रिजल्ट हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी हम यहां पर कर लेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, ये डायरेक्ट होता है n a की पावर n माइनस वन, ये हम सीख चुके हैं। एक और देख लीजिए, इसमें है साइन x बाय x, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो डायरेक्ट हम इसको वन लिखने वाले हैं, ऐसी अगर लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो की जगह x टेंड्स टू a है तो आपका साइन x माइनस a बाय x माइनस a, इसको भी हम डायरेक्ट वन लिखेंगे। अब टेन पे आ जाते हैं, टेन वाला देख लेते हैं, अब टेन एक्स बाय एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका जीरो है तो अब इसको वन लिख सकते हैं, अगर बाई चांस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और ये है टेन एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए, तो ये क्या बनेगा आपका वन बनेगा, राइट। ऐसी जब ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग वगैरह निकालेंगे उसके लिए कुछ जरूरत पड़ेगी हमें इनकी। अब देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू जीरो और यह है a की पावर x माइनस वन बाय एक्स, ये होगा log a, ध्यान रखिएगा ये सारे नेचुरल लॉगरिथम है, मतलब b इसका जो बेस होगा वो e होगा। एक और देखेंगे, ये बहुत जरूरी काम आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस वन बाय एक्स, ये डायरेक्ट आप वन कर दीजिए। और जो हमारा आखिरी है वो आपका है log वाला, यहां पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो यह लॉग बेस ही है इसका वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और बाय एक्स, इसको आप डायरेक्ट वन लिखेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है, अब देखिए ये जो जितने बता रहा हूं इसमें बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं केवल ये समझने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं d बाय डी एक्स, मतलब डिफ्रेंसिएशन अगर आपको दिया जाए x की पावर n का तो क्या है, ये होता है n x की पावर n माइनस वन। अब ये कैसे आएगा, सारा का सारा हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की कोशिश करेंगे और इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो क्योंकि आता कैसा है, फर्स्ट प्रिंसिपल ही सारा सॉल्यूशन है
और ये फाइनल जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर इसमें जो फंक्शन है आपका क्या है, एफ एक्स है आपका x की पावर n, ये है जहां पर ये जो n है ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ इस x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d बाई डी एक्स है। तो इसमें जब भी हम d बाई डी एक्स करते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए यहां पर y की पावर x होता तो ये x का डिफरेंशिएशन हो रहा होता, ये y इसके लिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन x का हो रहा है केवल। तो इस तरीके की चीज जब भी आएगी ध्यान रखिएगा केवल x वाले को पकड़ना है आपको, बाकी को छोड़ देना। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे तो क्या करें, क्या होगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n। आप जानते हैं मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लें तो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये तो कहा था। तो बस यहाँ एफ एक्स प्लस एच, अब यहां पर ये जो एफ एक्स है यहाँ x की पावर n, तो x की जगह x प्लस एच रख दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे x प्लस एच की पावर n माइनस एफ एक्स, क्या है x की पावर n है ही, बाय एच, इसका लिमिट निकालना है एच टेंड्स टू जीरो। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपका h ही है ना नीचे, इस h को कैसे लिख सकते हैं आप, x प्लस एच, तो x एक्स्ट्रा ला लिया तो x को हटाना पड़ेगा, x x कट जाएगा h आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं h को x प्लस एच माइनस एक्स। अब ये क्यों लिखा, देखिए मैं यहां इसको हटा देता हूं और लिखता हूं x प्लस एच माइनस एक्स। आपको याद होगा मैंने आपको एक अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, एक एक रिलेशनशिप बताया था कि x की पावर n माइनस ए की पावर n बाय x माइनस ए n a की पावर n माइनस वन होता है, याद रहेगा। तो अगर ये आपका पूरा मान लीजिए ये y है और ये इसको x ही ले लेते, चलिए अभी वो फॉर्मूले से इक्वेट करने के लिए, ये x है x की पावर n, ये a की पावर n है और ये x है और ये a है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n a की पावर n n x की पावर n माइनस वन, यही होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था n a की पावर n माइनस वन, ये a यहां पर कौन सा है, ये है, तो n तो ले आइए और जो भी यहां पर आएगा उसकी पावर n माइनस वन होगी, लेकिन यहां पर अपना a क्या है, ये x है, ये है ना, यही x है, या n क्या होगा यहां पर क्या लिखेंगे हम, x की पावर n माइनस वन, एक्स लिख दिया और ये यहां पर प्रूव हो गया, केवल x प्लस एच माइनस एक्स एच की जगह लिख दिया तो हमारा ये प्रूव हो गया। मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको d बाई डी एक्स निकालना है x की पावर फाइव का, ये क्या होगा, ये x है ये n है, ये x की पावर n का फॉर्म है, तो n x की पावर n माइनस वन, ये फॉर्म लगाएंगे, n क्या है इसमें पांच, x यहां लिखेंगे n माइनस वन, फाइव फाइव माइनस वन कर दिए, फाइव एक्स की पावर फोर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, राइट। जो दूसरा है वो है आपका, सबको हम इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका, e की पावर x का, तो आपको d बाई डी एक्स करना है e की पावर x का, और मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट e की पावर x ही आएगा। इसमें लगाएंगे कौन सा, अपना फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम सीधा यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दें, आपको पता है कि d बाई डी एक्स, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि आप अच्छी तरीके से भली भांति इससे परिचित हो चुके हैं, d by dx of fx ये होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो fx plus h माइनस fx by h, तो fx plus h मतलब इसकी जगह आप ये आपका y बराबर fx यानी y बराबर e की पावर x है, या fx plus h यानी जो e है e की जगह e की पावर x है, तो कहां रखेंगे यार h, यहां पर, तो e की पावर x प्लस एच हो गया माइनस ये एफ एक्स है, एफ एक्स तो पूरा e की पावर x ही है, e की पावर x रख दीजिए, और नीचे क्या है h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर x प्लस e की पावर h को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला बता रहा हूं, e की पावर x इंटू e की पावर h, क्योंकि e की पावर a प्लस b या x की पावर a प्लस b होता है, x की पावर a इंटू x की पावर b, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से, यहां पर क्या करेंगे e की पावर x, चलिए जी h है, अब क्या करते हैं e की पावर x दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा e की पावर x, ये x की पावर h माइनस वन बाय h, लिमिट लगा देते हैं इसमें h टेंस टू जीरो। अब आप देखिए ये x की पावर h माइनस वन बाय h, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, ये e की पावर, यहां हमने क्या किया e की पावर x कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, ये e है, e है, ये e हो गया e की पावर h, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं, क्योंकि e की पावर x जब मैंने आपको यहां बताया था
एक्स की पावर ए प्लस बी होता है एक्स की पावर ए डॉट एक्स की पावर बी, यहाँ ई की पावर एक्स प्लस एच होगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एच। तो हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर एच माइनस वन बाय एच बचा। अब मैंने आपको जो बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये ई की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स क्या होता है, वन के बराबर होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वो तो यहाँ लगी हुई है, बस सीधा यहाँ पर लगा दीजिए, इसको वन कर दीजिए आप, ये वन हो गया पूरा, और ई की पावर एक्स बच गया आपका, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ई की पावर एच माइनस वन बाय एच, ये आपका पूरा वन हो गया, ये वन हो गया, तो बचा क्या आपका, ई की पावर एक्स। ठीक, तो e की पावर x इसका सोल्यूशन हो गया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया हमने। अब तीसरा हम करेंगे जो log a की पावर x का, तो तीसरा हम कर रहे हैं d by dx, और किसका कर रहे हैं हम, a की पावर x का। इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं आपको, इसका आंसर है a की पावर x log a, और जो log है वो बेस e है इसमें, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब आप सीख गए ना, तो डायरेक्ट लगा रहा हूं d by dx, सीधा मैं लगाऊंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि इसके ऊपर ए की पावर, यहां मुझे एक्स प्लस एच रखना है, माइनस ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस एच में तो ये रख दिया, एफ एक्स में सीधा ए की पावर एक्स आएगा, डिवाइडेड बाय एच, इसमें भी ऐसी करेंगे, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच, और इससे कॉमन लेंगे आप, यहाँ लिख देते हैं ए की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, और ये ए की पावर एच माइनस वन बचेगा बाय एच, यहाँ लगा दीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। आप जानते हैं ये वाला, ये भी हम देख चुके हैं, यहां भी आपको ले जाता हूं, ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये जरूरी हो जाता है, ये आपको याद करना जरूरी है, ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स जो होता है वन के बराबर होता है, तो क्या बना आपका, ये वाला वन बन गया, तो आपका ए की पावर एक्स ना वन नहीं है, ये आपका लॉग ही होता है, सॉरी ये आपका वन ही होता है, मैंने वन बताया गया, इसको चेक कर लेते हैं, लॉग ए होता है, तो लॉग ए लिखे, लॉग ए रख देते, तो हम क्या करेंगे, लॉग ए रख देंगे इसकी जगह, क्योंकि हमारा उत्तर मैंने आपको पहले ही बताया लॉग ए आना चाहिए, तो ये लॉग ए तो बनेगा लॉग ए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है इसमें, कि जो बेस है वो ई होगा इसका, राइट, बेस इसका ई होगा, ये की पावर एक्स हो गया। अब अगला कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वो आपका है वन लॉग एक्स का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो चौथा ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है log x का, बेस ही है इसका, मैं आपको बता दूं इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 1 बाय एक्स। अब कैसे आएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं मैं, हम सीख चुके हैं, तो यहां पर रखेंगे एफ एक्स प्लस एच, लिमिट लगा देते हैं पहले, x टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच लगाएंगे, तो हम क्या लगेंगे, एफ एक्स प्लस एच, यानी log, बेस में ई अभी छोड़ रहा हूं, ई अब ध्यान रखिएगा ई है बेस, यहां पर रख दें एक्स प्लस एच माइनस, ये तो लॉग है ही, लॉग एक्स बाय एच। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं log a माइनस log b क्या होता है, वो तो log a बाय b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को log x प्लस h बाय x ऐसे लिख सकते हैं, तो log इसको डिवाइड कर दीजिए, x बाय x हो जाएगा वन, ये हो जाएगा h बाय x, हो गया वन, वन प्लस h बाय x ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यहां ले आइए इस पूरे को, इस ऊपर वाले को मैं लिख रहा हूं log वन प्लस एच बाय एक्स, आप ये तो जानते हैं फॉर्मूला, लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स ये होता है वन, तो किसी तरीके से हम एच बाय एक्स ले आए, ये पूरे को एच बाय एक्स, क्योंकि एच है, या नीचे एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए ये जो लिमिट हम लगाएंगे एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो, ये पूरा जो है यहां से यहां तक, अगर एच बाय एक्स को आप कुछ के मान लेते, लॉग वन प्लस के बाय के हो जाएगा, log 1 प्लस के बाय के ये, या log 1 प्लस x बाय x जो भी आप समझे, ये वन होगा, केवल आपका ये x नीचे बच गया, तो इसका उत्तर आ गया 1 बाय x, ऐसे हो जाएगा। ये e बेस था, ध्यान रखिएगा ये e बेस था। अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को कुछ दूसरी तरीके से देखेंगे, अब आपको निकालना है d बाय dx, सेम क्वेश्चन है, log x ही है लेकिन बेस अब a है, अब बेस a है, तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए पहले मैं इसमें लगा देता हूं सीधा फॉर्मूला, ठीक, मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो, सीधा लगाते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, मैं इसका उत्तर बता दूं आपका, ये आएगा 1 बाय एक्स लॉग ए, लेकिन b बेस e है, नीचे आए, तो लिमिट x टेंस टू आपका जीरो कर दिया, h टेंस टू जीरो h करते हैं, और f
एक्स प्लस एच की जगह लिख ही देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ बताना पड़ेगा आपको। एफ एक्स प्लस एच मतलब लॉग, बेस ए है, बेस ए लिखना पड़ेगा आपको, और माइनस लॉग बेस ए एक्स, ये हो गया बाय एच। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे अभी मैंने बताया था लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए है एक्स प्लस एच बाय एक्स, यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये जो एक्स प्लस एच बाय एक्स है, इसको फिर से हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स बाय एक्स वन, वन प्लस एच बाय एक्स, लेकिन ये लॉग बे लॉग ए है। अब आप ध्यान रखिए कि अगर यहां पर लॉग ए है बेस, और कुछ भी यहां पर है के मान लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं लॉग, ये ऊपर वाला ऊपर आएगा लॉग के, नीचे वाला नीचे आएगा, मतलब लॉग ए, और दोनों का बेस हो जाएगा ई। क्लियर है, समझ आया मैंने क्या किया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई, कर रहा हूं इसका बेस ई चेंज कर दिया, दोनों का चेंज हो गया, तो ये वाला यहां आएगा, इसका मतलब ये वाला यहां आएगा, वन प्लस एच बाय एक्स, और नीचे क्या आएगा इसके लॉग ये ए, तो लॉग बेस ई हो गया, ये ए आ गया, नीचे आपका एच था ही, एच बाय एक्स कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा कितना, अभी अभी हमने देखा ये क्या आया था, ये क्या आया था, ये एच है, सॉरी एक एच है इसमें, एच बाय एक्स, हाँ ये पूरा हो गया, ये एक्स आया था आपका, ये कितना आया था आपका, अभी अभी बताया था मैंने, ये आपका वन बाय एक्स होगा, या लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स क्या होता है, लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स, क्योंकि हम यहां तो ये ले गए, ये हमारे पास एक्स यहां तो हमको मिलना ही था, लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स होता है वन, ये पूरा वन हो गया, क्या बचा आपको नीचे, वन बाय एक्स को आगे ला रहा हूं, लॉग बेस ई ए, यही जो आ गया। इसमें केवल एक चीज, इसमें और इसमें अंतर ये था, यहां पर आपका लॉग ई था बेस, तो कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन यहां पर हमारा जो था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये वाला या ये रिलेशनशिप है, ये बेस ई पे लगता है, तो हमको लॉग बेस ई करने के लिए ये करना पड़ा। अब छठवां देखते हैं, ये है डी बाई डी एक्स, आपका है साइन एक्स, तो इसका हम क्या मिलेगा, आपको कॉस एक्स मिलेगा। अब ये कैसे आएगा, इसको कॉस एक्स करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच करना है ना, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइन ए माइनस साइन बी, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो आप उसको लिखेंगे टू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एच बाय टू आ गया, और कॉस सी प्लस बी डी बाई टू, तो कॉस सी प्लस डी एक्स, इसको अगर प्लस कर दें तो क्या आता है, टू एक्स प्लस एच बाई टू, है ना, यहां पर लिख दीजिए टू एक्स प्लस एच बाई टू। अब इसमें क्या बना, देखिए आपके पास एक नीचे एच तो है ही, इसको नीचे टू कर दीजिए, यहां टू कर दीजिए, पहले तो इसको हटा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो साइन थीटा बाय थीटा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वन हो जाएगा, ये तो क्लियर है, लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाएंगे इस पर, तो इसको आप हटा दें, टू से टू गया, टू से टू गया, ये बच गया। अब यहां पर आप देखिए क्या बना, cos 2x प्लस h बाई टू, इसमें लिमिट h टेंस टू जीरो लगा दीजिए, अब h की जगह जीरो लिखिए, इसको 2x बाई टू, टू टू कैंसिल, cos x आएगा, cos x आ गया आपका, इस तरीके से आएगा। अगला जो है इसमें सातवां, वो है d बाई डी एक्स cos x है, जब ये cos x वाला करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स कैसे आएगा, ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो एक्स प्लस एच कर दीजिए इसको, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बाय एच। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मैंने लिखा था, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ओके, यहां पर लिख रहे हैं माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स, टू एक्स प्लस एच बाई टू, और साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स में क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां केवल एच बाई टू आएगा, और आपका एच है यहां पे, डिवाइड करिए टू से, मल्टीप्लाई करिए टू से,
ये साइन एच बाई टू और एच बाई टू साइन थीटा बाई थीटा हो गया, ये वन हो गया। आपको ये टू से टू काट दीजिए, यहाँ गया माइनस, ये होगा साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू। इस पर भी लिमिट लगाएंगे, लिख नहीं रहा हूँ मैं, लिमिट लगाना है, ये जीरो हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल, सीधा माइनस साइन साइन एक्स आ जाएगा। ये सारे स्टेप आपको करने हैं, मैं आपको क्योंकि यहाँ पर इतने देर लगाएंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बढ़ जाए। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी में आ चुका है, ये वाला भी, इसके पहले वाला कॉस एक्स दोनों ही आ चुके हैं, और अब जो मैं अगला बता रहा हूँ आपको वो भी आपका एनसीईआरटी में आ चुका है, वो है आपका आठवां बता रहा हूँ, ये है आपका डी बाई डी एक्स टेन एक्स। ये क्या बना आपका, ये बनेगा sec square x, ये tan x बनेगा sec square x। अब इससे क्या मिलेगा आपको sec square x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं नहीं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो tan x प्लस h माइनस tan x बाय h। अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगेगा इसमें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका tan a tan b, tan a माइनस tan b नहीं लगाना है आपको, तो इसको साइन बाय साइन कर दीजिए, जैसे ये साइन इसको लिखते लग सकते हैं साइन एक्स प्लस एच बाय कॉस एक्स प्लस एच, टेन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक। ये एच नीचे है, मैं एच को अभी छोड़ रहा हूं, इसको बाद में डील करेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, पहले इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करिए, तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ये वाला हो गया, ये वाला देख लीजिए माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, और नीचे एच नहीं लिख रहा हूं अभी, हाँ एच अभी है, ये नीचे क्या बनेगा कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच। तो आप देखिए ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है, लगा दीजिए आप लोग साइन ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स केवल एच बचेगा, ठीक, ये बचा आपका साइन एच, यहां पर केवल साइन एच बचा, और नीचे क्या है आपका कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस एच, वन बाय कर दीजिए नीचे ही है। अच्छा, मैंने कहा था एच नीचे है, ये वाला एच तो चल ही रहा है, बस इसमें लिमिट लगा दीजिए, ये हो जाएगा वन, ये वन बाय, ये लिमिट हो लगा दिया मैंने, वन हो गया, यहां पर लिमिट लगाइए, ये जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स है, तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ये एनसीईआरटी में आया, एक एक करके सब बताना है आपको, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि समय कम लगे। नाइन्थ, इसमें डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है, इसका उत्तर क्या है, इसका है माइनस कोज एक्स स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे आया, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं आपको, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, पहले कॉट एक्स प्लस एच कर देते हैं, माइनस कॉट एच, सब फर्स्ट प्रिंसिपल से चल रहा है, और डिवाइडेड बाय एच, तो इसमें भी ऐसे कर लीजिए, कॉस साइन का ही कर लीजिए, कैसे करेंगे, होगा कॉस एक्स प्लस एच बाय कॉस साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एच बाय साइन एच, कॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेना है, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा साइन एक्स साइन एच, ये कॉट एक्स एक्स प्लस एच है ना, कॉट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच माइनस, ये बनेगा कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय, अभी एच नहीं लिख रहा हूं, ये है अभी हम ना हमारे पास, ये होगा साइन एक्स और साइन एक्स प्लस एच। ओके, अब आप देखिए ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माने कॉस ए साइन बी क्या होता है, अभी अभी हमने देखना साइन ए माइनस बी होता है, तो एक्स देखिए ये ए है ये बी है, तो एक्स माइनस एच बनेगा, ये एक्स एक्स कैंसिल माइनस एच आएगा, ठीक, यहां पर होगा साइन माइनस एच बाय एच, अब मैंने एच ले लिया ये वाला यहां पर, और नीचे क्या बन रहा है उसको यही रहने दीजिए साइन एक्स प्लस एच। ओके, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन एच बाय एच है, इसमें लगा दीजिए लिमिट, ये हो जाएगा माइनस वन, केवल माइनस वन बचेगा। अब यहां पर आ जाइए, ये साइन एक्स है आपका, यहां साइन एक्स प्लस एच लिमिट लगाएंगे जीरो हो जाएगा, ये साइन एक्स ये साइन एक्स कितना हो गया वन बाय साइन साइन वन बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका माइनस वन है ही,
अब इसको पहले जाइए माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, कोजेक स्क्वायर एक्स ये प्रूव करना था, ये आ गया था, ये आपका एक और इसमें बनता है, दो और बनेंगे और इंपॉर्टेंट है, इसका हो गया दसवा है शायद, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स। अब ये कैसे बनेगा, लगा देते हैं sec x प्लस एच माइनस sec x बाय एच लिमिट h टेंस टू जीरो, तो इसको sec को पहले cos में चेंज कर लीजिए, तो वन बाय cos x प्लस एच माइनस वन बाय cos x, एच को अभी नहीं छेड़ रहा हूं मैं, एच को बाद में देखेंगे, इसको इससे, इसको इससे, नहीं इसको इससे, ये होगा cos x माइनस cos x प्लस एच बाय कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस एच, एच अभी भी है ना ये वाला, ठीक। अब आप देखिए ये है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी मैंने आपको क्या बताया था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, उसको लिख दीजिए टू साइन सी प्लस डी होता है एक्स प्लस एच, टू एक्स प्लस एच बाई टू, और यहां आएगा साइन एक्स, अब देखिए डी डी माइनस सी है मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, ये होगा साइन एच बाई टू, वरना ये नेगेटिव होता अगर साइन आप सी माइनस डी बाई टू करते तो यहाँ नेगेटिव आता, एक ही बात है। अब ये चल रहा है अपना यहाँ तक आ गया, चलिए भाई हमारे पास एक एच तो था ही, ये एच है डिवाइड बाई टू करिए मल्टीप्लाई बाई टू करिए, ये पूरा वन हो गया लिमिट लगाने के बाद, ये टू टू से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, अच्छा इसमें एक कॉस है एक कॉस प्लस एच है, तो यहाँ पर मैंने साइन एच बाई टू तो कर दिया, और नीचे ये भी इसको भी लिख देते हैं, ये अभी बाद में लिखूंगा, पहले पहले इसको डील कर देते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ये वन हो गया ये हो गया, ये आपका साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू आ गया, तो इसमें लगा देते हैं योगा साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू, अभी वाला नीचे ले लेते हैं कॉस एक्स प्लस एच, अब लगाते हैं इसमें लिमिट, ये एच जीरो हो गया ये भी एच जीरो हो गया, तो ये हो गया साइन टू एक्स बाई टू यानी कि साइन एक्स ये कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है आपका कॉस एक्स, तो इसको आप क्या ले लेंगे टेन एक्स, इसको ले जाएंगे तो sec x, इसके लिए मैं sec x लिख रहा हूं, इसके लिए tan x, क्लियर। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन है कुछ इस तरीके से आएगा। एक और ले रहे हैं, ये है cosec x, cosec x क्या होता है माइनस cosec x cot x, इसको कर लिया जाए d बाई डी एक्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ये हो जाएगा माइनस cosec एक्स कॉट एक्स, ये कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच यानी कोजेक एक्स प्लस एच माइनस कोजेक एक्स बाय एच, इसको साइन में तब्दील कर देते वन बाय साइन एक्स प्लस, अब तो तरीका सीख ही गए होंगे आप, इतने सारे कर लिए आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अब क्या करना है, साइन एक्स ये मैं बाद में डील करूंगा एच को, इसको इससे इसको इससे, ये जो हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एच, चलिए एच लिख ही देते हैं। अब ये साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बना है ना, ये तो अब सीख ही गए हम, क्या बनेगा टू साइन दिस माइनस दिस एक्स माइनस एक्स माइनस एच, तो ये होगा माइनस एच बाय टू हो गया, और यहां आया आपका cos this plus this टू टू एक्स प्लस एच, हो गया। अब मैं इसको बाद में लिखूंगा, इसको बाद में लिखता हूं, पहले आप यहां देख लीजिए ये h है, ये h है ना, एक एक टू से डिवाइड कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां माइनस भी दिख रहा है माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर ये कितना बन गया ये पूरा, ये तो वन हो गया, लिमिट लगाएंगे टू टू से कट गया, ये आपका आया cos टू एक्स प्लस एच बाय टू, नीचे आपका ये विद्यमान था ही साइन एक्स और साइन एक्स प्लस एच, चलिए एच को जीरो करिए, लिमिट लगा रहा हूं मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जीरो ये जीरो, ये बन गया कॉस टू एक्स बाय टू कॉस एक्स, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स प्लस एच, तो ये जीरो हो गया साइन एक्स। अब एक कॉस एक्स और एक साइन एक्स को इसको आप ले लीजिए कॉट एक्स, ठीक, अच्छा माइनस भी चल रहा है यहां रखिए, अच्छा इसमें एक चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कि मैंने क्या किया यहाँ पर, इस माइनस एच बाई टू किया ना, तो साइन माइनस एच बाई टू जब मेरा पर मेरे पास आया तो मैंने इसको माइनस बाहर ले सकता हूँ, इसको साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा हो गया,
इसको करने की जगह आप एक काम कर सकते थे कि माइनस को बाहर ले लीजिए, ये हमेशा ऐसे करना पड़ता है वैसे, माइनस को बाहर लीजिए आपको एच बाय टू ही करना पड़ेगा, तो नेगेटिव चल ही रहा है, नेगेटिव मान के चलिए साथ में चल रहा है। जब भी आप साइन माइनस थीटा ले आप इसको माइनस साइन थीटा करें, तो ये माइनस है इसको आप ले लेते माइनस, ये हो गया आपका कॉट एक्स, ये वन बाय साइन एक्स हो गया कोजेक एक्स, तो माइनस कॉट एक्स कोजेक एक्स या माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स, ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये सारा का सारा आप जो एक एक करके था मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट अब जब प्रॉब्लम लेंगे एक्सरसाइज लेंगे तो हम ये सारी चीजें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्लियर है, उसके बाद हम जो फंडामेंटल रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे ए बाय बी का और डिफरेंशिएशन देखेंगे ए इंटू बी का, इसका डी बाय डी एक्स क्या होता है और इसका डी बाय डी एक्स क्या होता है, इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं लेकिन अभी हमने जितना सीख लिया वो उसको करते हैं।